हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंडियन किचन रेसिपी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो अपडेट्स को बिल्कुल मिस ना करें। सो आज हम बनाने वाले हैं चिकन कच्चे कीमे के कबाब। ये बहुत ही इजी, क्विक और सिंपल रेसिपी है जिसमें बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत ही टेस्टी स्टार्टर है जो आप किसी भी पार्टी या किसी भी फंक्शन में सर्व करेंगे तो सभी को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि चिकन कबाब कैसे बनते हैं। यहाँ सबसे पहले हमको चाहिए चिकन कीमा या चिकन मिंस। इसको हम ले लेंगे लगभग 400 ग्राम। यह है चने की दाल, इसको हमें लेना है 100 से 150 ग्राम। इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये थोड़ी सी चाहिए होती है। फिर हम ले लेंगे एक बड़ा आलू, थोड़ा सा लहसुन, मिर्ची, अदरक और धनिया पत्ते। मसाले के पाउडर में हमें चाहिए हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और पेपर पाउडर। सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे, इसमें जो चने की दाल है वो हम उसको डाल लेंगे। ये हम इसको धोकर कम से कम 2-3 घंटे भिगो के हमने रखा है इसको, ये डाल देंगे। छोटे छोटे कटे हुए लहसुन और अदरक डाल देंगे, इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में काटना है। एक बड़ा आलू ले लेंगे जिसको हमने 2 हिस्सों में काट लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी मिलाना है। अब हम कुकर को 5 से 6 सीटियों के लिए गैस पे चढ़ा देंगे बंद करके। या जब तक अच्छे से गल ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे आलू, चना, चने की दाल सब कुछ अच्छे से गल चुके हैं। हमको इसको अच्छे से स्मैश करना है। अच्छे से स्मैश कर लीजिएगा इसको। ये थोड़ा सा दरदरा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कीमे में डालेंगे तो थोड़े से गले हुए चने की टेस्ट आएगी तो अच्छी लगेगी। अब हम इसको सेपरेट बाउल में ले लेंगे सबसे पहले। और फिर इसमें ऐड करेंगे जो चिकन कीमा है उसको ऐड कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ मिर्ची, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। और सारे मसाले के जो पाउडर है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक, 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। अब हम डालेंगे एक अंडा। हमें थोड़े से मसाले की कमी लगी, हम इसमें ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक और धनिया पत्ता। और इसको मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए साइड में रख दीजिएगा ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और कबाब्स को टिक्की के शेप में बना लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कीजिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, अच्छे से कुक हो जाएगा। तीन
तीन चार चार मिनट तक दोनों साइड इक्वली कुक कीजिए। अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब आप इसको तेल से निकाल लीजिए और सर्व कीजिए। टेस्टी और यमी कबाब रेडी है। आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।